Life is a book, and those who do not travel only read one page. Let's travel to Balochistan with me. मेरे हर व्लॉग का एक मकसद होता है, लेकिन मेरे इस व्लॉग का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मकासद है। मकसद नंबर एक, हमें मस्तुंग जाना है। मकसद नंबर दो, मस्तुंग में एक फेमस चाट वाला है और हमें उसका चाट टेस्ट करना है। और मकसद नंबर तीन, मस्तुंग में एक डैम है और हमें उस डैम को ढूंढना है। तो चलिए हम अपने आज के इस पुरमकसद व्लॉग का आगाज करते हैं। एक मिनट, क्या कर रहे हो लड़के? जगह बलूचिस्तान का है तो म्यूजिक भी बलूचिस्तान का होना चाहिए ना। रखपास टनल से बाहर निकलने के बाद जो सीनरी नजर आता है उसे एंजॉय करने के लिए वहां पर रुकना जरूरी है भाई। फाइनली वादी क्वेटा से निकलकर वादी चिल्तन को पार करके हम लोग पहुंच गए मस्तुंग। मस्तुंग पहुंचकर हमारा पहला मकसद तो पूरा हो गया था। उसके बाद हम अपने दूसरे मकसद के जाने बढ़ने लगे, यानी हमें मस्तुंग का फेमस चाट ट्राई करना था। ये है मस्तुंग का मशहूर चाट, बलूचिस्तान चाट हाउस, और इसका सिनेमेटिक शॉट तो बनता है भाई। मस्तुंग का स्पेशल चाट ट्राई करने के बाद मैं उसकी तारीफ में तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वह बहुत लजीज था। और अगर आप भी कभी मस्तुंग जाते हो तो वहाँ का चाट ट्राई करना ना भूले, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मस्तुंग जाने का यार, अगर आप वो चाट नहीं खाते हो तो। बलूचिस्तान चाट हाउस पर हमारा दूसरा मकसद भी पूरा हो गया था। फिर हम लोग अपने आखिरी मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े, यानी उस डैम की तरफ जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमें ये तो पता नहीं था कि कहाँ तक जाना है,
लेकिन इतना ज़रूर पता था कि काफ़ी दूर तक जाना है, इसलिए हमने रास्ते में खाने के लिए फ्रूट्स लिए। ये है जी हमारी बलोचिस्तान की खूबसूरती। यार आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस आप ब्यूटी ऑफ बलोचिस्तान चेक करें। कभी कभार आपका लिया हुआ एक गलत फैसला गलत रास्ते पर आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकता है। डैम की तरफ जाते हुए हमें दो रास्ते नज़र आए, लेकिन वहाँ पर हम बिना किसी से पूछे एक रास्ते में चले गए। उस रास्ते में काफ़ी दूर तक जाने के बाद हमें पता चला कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। आज कोयटा से मस्तुंग आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि यहाँ पर एक डैम है मस्तुंग में और हमें उसे ढूंढना है। लेकिन हम सुबह से उस डैम को ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा, और अभी हम काफ़ी थक चुके हैं और हमें लेट भी हो रहा है, क्योंकि आज वापस कोयटा भी जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उस डैम को ढूंढ पाएंगे। आई थिंक कि हम लोग फेल हो गए इस बार, तो डैम को फाइंड करने में हम लोग नाकाम हो गए। लेकिन इरादा है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे और डैम को फाइंड करेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और अभी हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया है, हमने मस्तुंग के बाज़ार से कुछ फ्रूट वगैरह लिया था, तो वो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ कर खा लेंगे और फिर हम लोग कोयटा के लिए रवाना हो जाएंगे। डैम को ढूंढने में तो हम नाकाम हो चुके थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी। इस सफ़र से हमने ये सीखा कि अगर आप सही वक्त पर अपनी गलती को दुरुस्त नहीं करते हो तो आप अपनी मंजिल से भटक जाते हो। फिर हमने फैसला किया कि मकसद नंबर 3 को पूरा करने के लिए हम फिर कभी कोशिश करेंगे। हम तो पानी की तलाश में मस्तुंग गए थे, लेकिन हमें पता भी नहीं चला और हम सहरा में पहुँच गए। यार डेजर्ट में पहुंचते ही बंदे को डिहाइड्रेशन फील होता है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है भाई।